देश की बेटियां देश के तिरंगे को सर पर उठाए, देश के सम्मान को ताज पहनाकर गोल्ड मेडल जीत कर लाती हैं, ब्रॉन्ज मेडल सिल्वर मेडल जीत कर लाती हैं, उनके साथ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होती है, उनके साथ शारीरिक उनका शोषण होता है, और उसके बाद दिल्ली पुलिस मार मार कर उनको जंतर मंतर से विरोध प्रदर्शन भी नहीं करने देती, और अब उनकी नौकरियां निकालने की धमकी दी जा रही हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारा मेडल 15-15 रुपए का है, ये 15 रुपए का मेडल ये जब वो जीतती हैं तो देश का तिरंगा ऊपर उनके सर के लहराता है और जन मन गन उसका गान पूरे दुनिया के अंदर गूंजता है, पर शायद भाजपा को यह मालूम नहीं। किस बात की बातचीत? बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? बृजभूषण सिंह प्रधानमंत्री के साथ नई संसद के उद्घाटन पर होता है और बेटियों को सड़कों पर घसीटा जाता है, और अब कह रहे हैं कि उनकी नौकरियां निकालेंगे। अरे जाइए, हिम्मत है तो निकाल दीजिए, कांग्रेस की सरकार उनसे बड़ी नौकरी उनको दे देगी, नौकरी का सवाल नहीं। हमारी बेटियां नौकरी की मोहताज नहीं, न्याय की मोहताज हैं, और जिस देश में बेटियों को, पहलवानों को, खिलाड़ियों को, गोल्ड मेडल लाने वाले लोगों को न्याय नहीं मिलता, उस देश के हुक्मरान और सत्तासीन लोगों को एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। बातचीत मत करिए, केवल बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार करिए, जेल की सलाखों के पीछे भेजिए, यही असली न्याय है।